दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष बची परीक्षाएं 18 जून से 30 जून के बीच आयोजित होगी। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा डेट शीट पहले ही जारी कर दी है और अब एडमिट जारी कर दिए गए हैं। साथ ही परीक्षाएं केवल सुबह की शिफ्ट में कराई जाएंगी। बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियम लागू रहेंगे। 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं के लिए शामिल होने के लिए छात्रों के लिए एडमिट कार्ड RBSE एडमिट कार्ड 2020 अपनी आधिकारिक वेबसाइट rajedubord.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिए गए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन परीक्षार्थियों ने राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के शेष विषयों की परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा केंद्र बदल दिए हैं, वे स्टूडेंट जिस परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देना चाहते हैं वे संबंधित सेंटर पर जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड को संबंधित स्कूल प्रधान द्वारा पहले डाउनलोड किया जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट को हार्ड कॉपी दी जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पेंडिंग परीक्षा के लिए जारी डेट शीट के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा 29 जून को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की और 30 जून को गणित मैथमेटिक्स की परीक्षा होगी। राजस्थान 12वीं बोर्ड की परीक्षा की डेट 18 जून को गणित, 19 जून को सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग, 20 जून को स्वचालन, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सौंदर्य और कल्याण, 22 जून को भूगोल, 23 जून को गृह विज्ञान, 24 जून को पेंटिंग, 25 जून को हिंदी साहित्य, उर्दू, सिंधी, गुजराती, फ्रेंच, राजस्थानी साहित्य, 26 जून को संस्कृत साहित्य, 27 जून को अंग्रेजी साहित्य, टंकन लिपि हिंदी, 29 जून को कंठ संगीत, नृत्य, कथक, वाद्य संगीत, 30 जून को मनोविज्ञान विषय की परीक्षा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में आ सकता है रिजल्ट। परीक्षा पूरे हो जाने के बाद RBSE बोर्ड जुलाई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है। बोर्ड ने कॉपियों की चेकिंग का काम पहले से ही तेज कर दिया है। बता दें कि 18 जून से परीक्षा आयोजित कराने के लिए बोर्ड ने एग्जाम सेंटर्स की गिनती 5,680 से बढ़ाकर 6,201 कर दी है। लेटेस्ट खबरें व ब्रेकिंग न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल खबर पंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको मिले हर न्यूज की सबसे पहले नोटिफिकेशन।